तीर्थ स्थल ओमकारेश्वर में शहादा महाराष्ट्र सती संगी मंदिर तक पैदल जाने वाले यात्रियों का सेगांव आगमन पर कृषि उपज मंडी प्रांगण में उप सरपंच व वरिष्ठ व्यापारी संघ अध्यक्ष नारायण अग्रवाल के नेतृत्व में ठंडा जूस पिलाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर पत्रकार संजय जायसवाल, जितेंद्र अग्रवाल भी मौजूद थे। पैदल यात्रियों ने बताया कि ओमकारेश्वर से शहादा महाराष्ट्र सत्संगी मंदिर तक करीब 240 किलोमीटर की पैदल यात्रा 14 वर्षों से लगातार निकाली जा रही है। इसमें 100 यात्री शामिल है। वह ओमकारेश्वर से पूजा अर्चना कर जल कावड़ में लेकर निकले हैं। यह 6 दिनों की पैदल यात्रा तय करके असलोद शहादा पहुंचकर मां सप्तसंगी जी का अभिषेक करेंगे। इस पैदल यात्रा में ओमकारेश्वर, गुड़गांव, ठिपगांव, ऊन सेगांव, नांगलवाड़ी, सैंधवा, निवाली, मोयदा, असलोद व रास्ते में जितने भी गांव पड़ते हैं उनका भरपूर सहयोग मिलता है। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। पैदल यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये पैदल यात्रा नंदुरबार जिले से महाराष्ट्र से हो असलोद गांव करके है, जो अमर गुरु महाराज का गांव था, वहाँ से ओंकारेश्वर तक जाती है। मतलब ओंकारेश्वर से हम कांवड़ भरते हैं और असलोद माता जी के सप्तसंगी माता जी के मंदिर पे अभिषेक के लिए ले जाते हैं। कितने लोग हैं? यहाँ पूरे 100 लोग हैं और ये हमारा 14वां साल है। हम हर साल यही रोड से कंटिन्यूटी हमारे जगह जगह पे खाने पीने की जो व्यवस्था है, अन्नदान हमारे प्रति जगह है, हर गाँव से होते हैं। हम ये हर साल इसी तरीके से ले जाते हैं। कितने यात्री है जो पैदल चल रहे हैं? 100 लोग। कितने दिन में आप पहुंचोगे? हम 6 दिन में पहुंच जाते हैं। क्या नाम लिखते हैं? ओंकारेश्वर पदयात्रा सेवा मंडल असलोद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।